22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की पूजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं राम मंदिर निर्माण और राम लल्ला के विराजमान होने को लेकर मुंबई समेत समूचे देश में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राम भक्त अपना अपना यथाशक्ति मंदिर निर्माण में न सिर्फ अपना सहयोग दे रहे बल्कि खुशियां भी मना रहे हैं। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद के मुंबई उपाध्यक्ष रमेश शाह ने 1 लाख मोतीचूर के लड्डू बांटने का संकल्प लिया है। ये लड्डू दहीसर, बोरीवली और कांदिवली इलाके में बंटवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, जो भी राम भक्त रमेश शाह के दहीसर पूर्व के एनएल गार्डन के पास स्थित मिठाई की दुकान से लड्डू खरीदेगा, उसे 1 किलो लड्डू के साथ 1 किलो लड्डू मुफ्त, आधे किलो लड्डू के साथ आधा किलो लड्डू और पाव किलो लड्डू के साथ पाव किलो लड्डू मुफ्त दिया जाएगा। रमेश शाह का कहना है कि जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था तब हमने 51,000 लड्डू बांटे थे। जो है कि राम भक्तों का हाथ जोड़ के मेरा सब निवेदन है, सभी लोग एकदम जो कि राम भक्त के कार में सब लगे हुए हैं। हम देख रहे हैं आप लोग के यहाँ सब जो है कि लड्डू बना रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं सब। मैं भी काम करता हूँ इधर का, जो है कि अयोध्या राम मंदिर जो बन रहा है उसका प्लस में सभी लड्डू बन रहा है। जहाँ भी जिसका भी ऑर्डर रहेगा उनको जाएगा। और भी जो है हमारे जो है कि सेठ जो है रमेश भाई शाह और केतन भाई पांड्या और वैभव भाई पांड्या और गणेश भाई, ये सब जो हमारे सेठ हैं और उन्होंने लोग के सपोर्ट से ये सब काम हो रहा है और जगह जगह जो है कि इसको वितरण जो है कि होएगा। लड्डू बने, बहुत खुशी आ रहा है हमको तो। बहुत मन में सुविधा ये था उत्सव की जो है कि बहुत दिन के बाद, मैं तो छोटा था तभी से सुन रहा हूँ कि अब बनेगा तब बनेगा, लेकिन मोदी जी जब से आए तब से हमको मुमकिन लगा कि अब कुछ ना कुछ हमारे देश का तरक्की होएगा। 450 साल बाद राम जी अपने पुनः वही स्थान पे जा रहे हो, पुनः उनके महल में जा रहे हैं, जो कि झोपड़ी में से जो छोटी सी उनकी तंबू में से आज भव्य राज महल में जा रहे, तो वो बहुत बढ़िया खुशी का आनंद का दिन होगा। ये 22 जनवरी का जो दिन है बहुत खुशी का दिन होगा हमारे लिए भी, और हमको एक बड़ा सौभाग्य मिला है कि हमको लड्डू बनाने का मौका मिला और लड्डू फ्री में हम बांट रहे। 51,000 लड्डू हम लोग फ्री में बांट रहे, 1 लाख लड्डू बनाने वाले उसमें 51,000 फ्री में बांटेंगे और बाकी 1 किलो के ऊपर 1 फ्री में लड्डू बांटने वाले। 450 साल से मेरा राम एक छोटे से झुकी झुपड़ी में बैठा हुआ था। सारा हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक जो है, असत्य के ऊपर सत्य का जो विजय जिसे कहा जाता है, इसे प्रभु रामचंद्र 450 साल से, यह हिंदू समाज के लिए एक दुखद घटना थी। मुझे याद है 1990 के आसपास में जब हम लोग रोड पे चलते थे और जय श्री राम का नारा लगाते थे, उस समय लोग हमें हंसते थे। हम लोग तो मंदिर वही बनाएंगे, सुगंध राम की खाते हैं तो लोग बोलते थे सुगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ऐसे हमें बोल रहे थे। मुझे याद है कि लास्ट 30-35 साल से मैं विष्णुपुर से जुड़ा हुआ हूँ। जब जब कार सेवा हुई तब मैं गया हूँ, जब मुलायम सिंह ने गोलियाँ चलाई तभी भी मैं गया था, जब डावरी ढांचा ध्वस्त हुआ उस समय भी मैं गया था, दिल्ली में हमने जब भी कोई भी कार्यक्रम किया हम दिल्ली में भी गए थे, और मुंबई में जो भी कार्यक्रम होते सभी में मैं सहभागी होता था। ये मेरा सौभाग्य रहा और हमारा सबका सौभाग्य ये रहा कि 450 साल अभी जो भी हिंदू समाज है वो देख रहा है कि छोटे से झुपड़ी से आज भव्य राम मंदिर में प्रभु रामचंद्र विराजमान हो रहे, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। बाकी आप 1 लाख लड्डू वितरण करने वाले हैं जिसकी तैयारी जोर शोर से हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? मुझे याद है जब खनन विधि हुई उस समय हमें इतना आनंद था, हमने तय किया कि लोगों से दान पुण्य लेके 51,000 लड्डू बांटेंगे। हमने उस समय 51,000 लड्डू बांटे, जो भी झोपड़ियों में दहीसर, बोरेवली, कांदिवली, मलाड़, भाईंदर, मीराड़, सारी जगह हमने लड्डू बांटे, क्योंकि लोगों को खुशी व्यक्त होनी चाहिए, मुंह मीठा होना चाहिए। बांटे इस बार हमने किया, रामलला अभी विराजमान हो रहे भव्य मंदिर में तो हमने भव्य कार्यक्रम करना चाहिए, तो हमने तय किया 1 लाख लड्डू हमने बनाए और 1 लाख लड्डू में से 51,000 लड्डू हम फ्री बांटेंगे और उसके बाद में जो 50,000 बचेंगे उसमें भी हमने स्कीम बनाई कि 1 किलो लड्डू जो लेना है उसको हम आधा किलो लड्डू फ्री देंगे, तो और मतलब 50,000 में से 25,000 और फ्री हमारे बटेंगे, तो सब 1 लाख में से 75,000 लड्डू हम फ्री बांटेंगे, क्योंकि हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि मेरे रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। सालों से मुझे याद है कि 32 सालों से जब आडवाणी जी की यात्रा है बुधनी में
आई थी तब से वो काम लगातार हिंदू के लिए विश्व हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। और हम सभी को खूब आनंद है कि 22 तारीख को ये जो राम मंदिर बन रहा है उसमें हम सब लोग सहभागी हो गए और हमारा जन्म सफल हो गया। मैं तो समझता बहुत अच्छा लगा जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठान तय हुआ तारीख डेट, और जब वो कार्यक्रम बन के यहाँ आया और पूरे भारतवर्ष में 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक जो निमंत्रण घर घर जाके देना था, जो संघ ने तय किया था, तो इस बार संघ ने कहा था कि हम पिछले बार जब मंदिर का निधि संकलन करने के लिए घर घर गए थे तो इस बार हमने कुछ मांगने के लिए नहीं गए थे, उनसे निमंत्रण देने गए थे, उनसे ये कहने आए गए थे कि 22 तारीख को आने वाली 22 तारीख को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान होगा तो इस अक्षत को आप अपने घर के मंदिर में डालिए। और उस दिन धूमधाम से इस बार 2024 में एक दूसरा दिवाली मनाइए, शाम को मिठाइयाँ बांटिए, फटाका फोड़िए। और मुझे बड़ी खुशी की बात तो ये है ही, उससे भी एक जानकारी आपको देता हूँ, राम जी की जो पत्नी सीता जी हैं जहाँ उनकी उत्पत्ति हुई है उस जिला से मैं हूँ, और उस जिला से संन्यास बोलते हैं जब शादी होने जाते हैं लड़की का, तो हमारे गांव के लोग एक एक दौरा, दो दो दौरा, इसे 21,000 दौरा पिछले 14 तारीख को निकला था और 15 को सुबह अयोध्या पहुंचा, वहाँ कार सेवकपुरम में रखा गया, हमारे भाई भी गए थे उसमें, तो मुझे और आनंद है। और आने वाले समय में वहाँ भी सीता जी का भव्य मंदिर बनेगा ऐसा पूरा विश्वास है। रमेश भाई ने मेरे को आज फोन आया कि हम आज ये आज से उत्सव स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको सरकार की तरफ से निमंत्रण आया है, तो मैं रमेश भाई, केतन भाई पंड्या, गणेश और लखन सबका आभारी हूँ कि आज उनके साथ में मेरा 40 साल से पारिवारिक संबंध है, और वो जो काम करते वो हम देखते हैं। 51,000 लड्डू हर बोरीवली दहीसर कांजली स्लम में बांटने वाले, 1,00,000 लड्डू बनाने वाले, 1 किलो पे 1 किलो फ्री देने वाले, तो ये मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। इतना बड़ा